नमस्कार दोस्तों, ओम डिजिटल स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित पटवारी भर्ती परीक्षा का सिलेबस राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर डाल दिया है। तो आज के इस वीडियो में हम पटवार भर्ती परीक्षा 2019-20 के नए सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि RSSB ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर डाल रखा है। इससे पहले भी हमने पटवार सिलेबस के बारे में डिस्कस किया था, लेकिन वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट की साइट पर डाला हुआ था। उसमें काफी स्टूडेंट्स को संदेह था कि ये फेक है, ऑफिशियल नहीं है। तो आप ऑफिशियल साइट पर अपलोड किया हुआ सिलेबस भी देख सकते हैं। तो चलिए हम डाउनलोड करके देखते हैं कि सिलेबस में क्या क्या इंक्लूड किया गया है। इस सिलेबस की PDF मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहां से प्राप्त कर सकते हैं। यहां पर आप स्पष्ट देख सकते हैं, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड पटवार सीधी भर्ती परीक्षा 2019 परीक्षा की स्कीम एवं विस्तृत पाठ्यक्रम। तो इसमें जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट की साइट पर सिलेबस डाला हुआ था वो सेम ही पैटर्न है, इसमें कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। वहां पर केवल वेटेज दिया गया था, लेकिन इसमें टोटल मार्क्स भी दे रखे हैं कि कितने क्वेश्चन आएंगे और कितने मार्क्स का टोटल पेपर होगा। तो दोस्तों, नंबर ऑफ क्वेश्चंस की संख्या है 150, पूरे पेपर में 150 क्वेश्चन आएंगे और टोटल 300 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, यानी कि प्रत्येक क्वेश्चन है वो 2 मार्क्स का होगा। तो अब विस्तृत सिलेबस देख लेते हैं कि ऑफिशियल वेबसाइट पर कुछ परिवर्तन तो नहीं किया गया है। तो देखिए, आप जनरल साइंस, हिस्ट्री, पॉलिटी एंड ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, इसमें विज्ञान के सामान्य आधारभूत तत्व एवं दैनिक विज्ञान, मानव शरीर, आहार एवं पोषण, स्वास्थ्य देखभाल, प्राचीन और मध्यकालीन भारत के इतिहास की प्रमुख विशेषता एवं महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएं, जो कि 18वीं शताब्दी से लेकर वर्तमान तक की घटनाओं के बारे में प्रश्न पूछे जाएंगे। भारतीय संविधान में कुछ ज्यादा डिफाइन किया नहीं है। भारतीय संविधान, राजनीतिक व्यवस्था एवं शासन प्रणाली, संवैधानिक विकास, केवल इतना ही लिखा है। भारत की भौगोलिक विशेषताएं, पर्यावरणीय एवं पारिस्थितिकीय परिवर्तन एवं इनके प्रभाव, समसामयिक राष्ट्रीय घटनाएं। तो दोस्तों, जनरल साइंस, इंडिया GK और करंट अफेयर्स का ये जो पोर्शन है ये 76 नंबर का होगा टोटल, और इसमें 38 प्रश्न पूछे जाएंगे और इसका वेटेज है वो 25% होगा, ठीक है ना। 38 प्रश्न पूछे जाएंगे, 76 मार्क्स का होगा, यानी कि एक क्वेश्चन है वो 2 मार्क्स का होगा, ठीक है ना। और पूरे पेपर में इसका वेटेज देखा जाए तो 25% इसका वेटेज है। नेक्स्ट बात करते हैं ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर एंड पॉलिटी ऑफ राजस्थान, यानी कि राजस्थान के विशेष संदर्भ में भूगोल, इतिहास, कला एवं संस्कृति और राज व्यवस्था। तो राजस्थान के इतिहास में ऐतिहासिक महत्वपूर्ण घटनाएं, राजस्थान की प्रशासनिक व्यवस्था जिसमें राज्यपाल, राज्य विधानसभा, उच्च न्यायालय, लोक सेवा आयोग, जिला प्रशासन, राज्य मानवाधिकार आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग, लोकायुक्त, राज्य सूचना आयोग, लोक नीति, यानी कि राजस्थान की जो भी संवैधानिक बॉडीज हैं इनसे संबंधित प्रश्न ज्यादा से ज्यादा पूछे जाएंगे इसमें। इसी के साथ में सामाजिक सांस्कृतिक मुद्दे, स्वतंत्रता आंदोलन, जन जागरण एवं राजनीतिक एकीकरण, लोक कलाएं, चित्रकलाएं और हस्तशिल्प एवं स्थापत्य, मेले त्योहार, लोक संगीत एवं लोक नृत्य, राजस्थानी संस्कृति एवं विरासत साहित्य, राजस्थान के धार्मिक आंदोलन, संत एवं लोक देवता, महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल, राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व। तो दोस्तों, राजस्थान ज्योग्राफी तो केवल नाम मात्र की है कहने का है, बाकी इसमें ज्योग्राफी का कहीं कोई उल्लेख नहीं दिख रहा है। मेनली जो पोर्शन है राजस्थान के विशेष संदर्भ में वो राजस्थान के इतिहास, वो भी राजस्थान का जो मॉडर्न हिस्ट्री है उनसे संबंधित प्रश्न होंगे। पुराने राजा महाराजाओं की इतिहास ज्यादा पढ़ने की जरूरत है नहीं इसमें। राजस्थान में सबसे ज्यादा प्रश्न आपको कला संस्कृति और राजस्थान के साहित्य से देखने को मिलेगा। दूसरी बात, राजस्थान की राजनीतिक व्यवस्था की बात करें तो जितनी भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं उनसे संबंधित प्रश्न ज्यादा से ज्यादा आपको देखने को मिलेगा। तो इस पोर्शन को आप अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिए। इससे संबंधित आपको टोटल 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और वो होंगे 60 मार्क्स के,
और इसका वेटेज कितना होगा, वेटेज होगा 20%, ठीक है ना, 20% इसका वेटेज होगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम जनरल इंग्लिश एंड हिंदी की। तो सामान्य हिंदी में संधि एवं संधि शब्दों का संधि विच्छेद, उपसर्ग एवं प्रत्यय, इनके संयोग से शब्द संरचना तथा शब्दों से उपसर्ग एवं प्रत्यय को पृथक करना, इनकी पहचान करना, समस्त या सामासिक पद की रचना करना, सामासिक पद का विग्रह करना, शब्द युग्मों का अर्थ भेद, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, शब्द शुद्धि, दिए गए अशुद्ध शब्दों को शुद्ध लिखना, वाक्य शुद्धि, वर्तनी संबंधी अशुद्धियों को छोड़कर वाक्य संबंधी एवं व्याकरणीय अशुद्धियों का शुद्धिकरण। तो दोस्तों ये पोर्शन है सामान्य हिंदी का, और इसमें वाक्यांश के लिए एक उपयुक्त शब्द, पारिभाषिक शब्दावली और मुहावरे लोकोक्तियों से संबंधित भी प्रश्न आएंगे, ठीक है ना। और इसमें हिंदी के साथ में इंग्लिश भी इंक्लूड है। ये छोटा सा पोर्शन है जिसमें अनसीन पैसेज, करेक्शन ऑफ कॉमन एरर्स, करेक्ट यूजेज, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, फ्रेज एंड इडियम्स, ठीक है ना। ये दिखने में तो बिल्कुल ही छोटा लगता है, लेकिन जो करेक्शन ऑफ कॉमन एरर्स हैं, इसके लिए आपको टेंस भी पढ़ना पड़ेगा और इंग्लिश की जो आधारभूत ज्ञान है वो होना आप में जरूरी है। इसके बिना आप कॉमन एरर्स का करेक्शन नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। हिंदी और इंग्लिश से संबंधित पोर्शन का वेटेज है वो 15% होगा। इससे संबंधित 22 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 22 क्वेश्चन है वो 44 मार्क्स के होंगे, ठीक है ना। टोटल पेपर है 300 मार्क्स का और प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का होगा। मेंटल एबिलिटी रीजनिंग बेस्ड न्यूमेरिकल एफिशिएंसी में ज्यादातर रीजनिंग का ही पोर्शन है। इसमें गणित का पोर्शन तो बिल्कुल नाममात्र का है, जो रीजनिंग आसानी से सोल्व कर लेता है वो ये गणित वाला तो दौड़ते कर लेगा, ठीक है ना। तो इस बार ये जो सिलेबस है ये आर्ट्स के स्टूडेंट के लिए एक सुनहरा अवसर प्रदान करता है पटवारी बनने के लिए। पिछला जो सिलेबस था उसमें मैथ और कंप्यूटर का वेटेज काफी ज्यादा था, जिससे साइंस और मैथ्स वाले स्टूडेंट्स हैं वो ज्यादा अपीयर हो रहे थे, लेकिन इस बार है सिलेबस में काफी बदलाव कर दिया है। मेंटल एबिलिटी रीजनिंग न्यूमेरिकल एफिशिएंसी के इस पोर्शन में मेकिंग सीरीज एनालॉजी यानी सादृश्यता से संबंधित प्रश्न होंगे, फिगर मैट्रिक्स क्वेश्चंस, क्लासिफिकेशन, अल्फाबेट टेस्ट, पैसेज एंड कंक्लूजन, ब्लड रिलेशन, कोडिंग डिकोडिंग, डायरेक्शन सेंस टेस्ट, सिटिंग अरेंजमेंट, इनपुट आउटपुट, नंबर रैंकिंग एंड टाइम स्क्वायर, मेकिंग जजमेंट, लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ वर्ड, इंसर्टिंग द मिसिंग कैरेक्टर या नंबर, मैथमेटिकल ऑपरेशन, एवरेज रेशो, एरिया एंड वॉल्यूम, परसेंटेज, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, यूनिटरी मेथड और प्रॉफिट एंड लॉस से संबंधित प्रश्न आपको रीजनिंग और मैथ वाले पार्ट में देखने को मिलेंगे। इस पार्ट से संबंधित आपको 45 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है ना, और वो होंगे 90 मार्क्स के। तो ये पोर्शन है वो सबसे ज्यादा और महत्वपूर्ण है और इसका वेटेज भी सबसे ज्यादा है। 30% वेटेज केवल रीजनिंग और मेंटल एबिलिटी का है, ठीक है ना। तो जो भी स्टूडेंट्स इस पोर्शन को अच्छा कर लेगा और राजस्थान जी के हिंदी इंग्लिश वाले पोर्शन को अच्छा कर लेगा तो उसे पटवारी बनने से कोई नहीं रोक सकता है। और इसके बाद में आता है बेसिक कंप्यूटर। तो बेसिक कंप्यूटर में कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर यानी कि कंप्यूटर की महत्वपूर्ण विशेषताओं से संबंधित प्रश्न होंगे। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूड यानी कि कंप्यूटर का जो मुख्य संगठन है उससे संबंधित प्रश्न होंगे, जिसमें रैम, रोम, फाइल सिस्टम, इनपुट डिवाइस, कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर और सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच में क्या रिलेशन है उनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। साथ ही ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंधित भी प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके अलावा एमएस ऑफिस जिसमें कि एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, स्प्रेडशीट, इनसे संबंधित भी कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे। कंप्यूटर से संबंधित आपको 15 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और वो 30 मार्क्स के होंगे और पूरे पेपर में कंप्यूटर का वेटेज है वो 10% है, ठीक है ना। तो ये बीएल जाटावत बोर्ड चेयरमैन के साइन है, आप देख सकते हैं, पूरी तरह से ऑफिशियल सिलेबस है। अब तक आप यदि ये सोच रहे थे कि सिलेबस में कुछ बदलाव होगा
तो आप ये दिमाग से निकाल लीजिए, ये बिल्कुल ही ऑफिशियल सिलेबस हैं, इसको ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारी है वो आज ही शुरू कर दीजिए। राजस्थान जीके बेसिक कंप्यूटर और हिंदी और इंग्लिश में वोकैब से संबंधित मैं आपको महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करवाता रहूंगा, तो जुड़े रहिए हमारे साथ। और कंप्यूटर से संबंधित मैंने एक दो वीडियो अपलोड कर भी दिए हैं, जिनमें RSSB और RPSC द्वारा गत प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया है और उन प्रश्नों को विस्तृत व्याख्या के साथ में डिस्कस किया गया है, जो आपके इस पटवार भर्ती परीक्षा और अन्य भी RPSC और RSSB भर्ती परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। साथ ही मैंने राजस्थान जीके से संबंधित 2018 और 19 में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने जो भी प्रश्न पूछे हैं उन प्रश्नों का एक मेगा वीडियो अपलोड किया है, जो लगभग 4-4.5 घंटे का है, तो उसे आप जरूर देखिए, जिससे आपको पता चल जाएगा कि राजस्थान जीके से संबंधित बोर्ड किस प्रकार से प्रश्न पूछता है। तो धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे किसी नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ में, तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार।